ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत कहिए भविष्य या फिर वर्तमान सब जाना जा सकता है। जी हाँ, गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला जो समय है वो कैसा होगा, जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता हो रही है, किस व्यक्ति से या किस कारण की वजह से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अंक राशि की वजह से। तो अंक राशि से चलिए जानते हैं कि आपके लिए आज का जो दिन है वो कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक के जातक, इन जातकों के लिए पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य और तालमेल बना रहेगा। आज कार्यक्षेत्र में भी अपनी जटिल समस्याओं को आप हल निकालने में सक्षम रहेंगे। लंबित जो सरकारी काम है उनमें आज पूर्णता मिलेगी। उपाय करें, नारंगी या लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें। मूलांक दो के जातक, आज का दिन आपके लिए मित्र के जन्मदिन में शामिल होने के मौका लेकर आ रहा है। परिवार के साथ भी छोटी यात्रा कर सकते हैं। व्यापार में आज किसी नए अनुबंध में हस्ताक्षर होगा। नौकरी में बदलाव को इच्छुक व्यक्तियों को सफलता मिलेगी। उपाय करें, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें। मूलांक तीन के जातक, आज बृहस्पति जी के प्रतिनिधित्व में भाग्य हर क्षेत्र में आपका पूरा साथ देगा। सामाजिक कार्यों में शामिल होने का भी मौका मिल रहा है। कार्यालय में भी आपके अधीनस्थ जो सहकर्मी हैं उनके साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी, सुधार आएगी। युवा वर्ग अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीर आज नजर आएंगे। उपाय करें, पीपल के पेड़ पर पीतल के बर्तन से घर में उपयोग करें। मूलांक चार के जातक, किसी के व्यक्तिगत मामलों में आज हस्तक्षेप करने से बचना है। जल्दबाजी में लिए गए जो निर्णय है उनसे हानि उठाने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। व्यवसाय में भी अगर खर्चों की अधिकता आपके लिए आ रही है तो वो परेशानी का कारण बन सकती है और आज भोजन के बाद एसिडिटी भी परेशान कर सकता है। उपाय करें, धूम्रपान का त्याग करें। मूलांक पांच के जातक, आज व्यापार में किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले उसके हर पहलू पर आपको अच्छे से विचार करना है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला और किसी पुराने रोग से भी आज मुक्ति मिलती दिख रही है। उपाय भी कर सकते हैं, गाय को पालक खिलाएं। मूलांक छह के जातक, शुक्रदेव के प्रतिनिधित्व में जीवन साथी के साथ अनबन होने के संकेत। व्यर्थ के बाद विवाद में पड़ने से बचना और आज वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतनी है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी भरे किसी काम को लापरवाही से ना करें। त्वचा में किसी प्रकार की एलर्जी होने की संभावना है। उपाय करें, सफेद चंदन का टीका करें। मूलांक सात के जातक, रुके हुए सरकारी कामों को आज पूरा करने में परिजन आपकी मदद करेंगे। नौकरी में स्थान परिवर्तन होने की संभावना और व्यावसायिक क्षेत्र में भी आज आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलेंगे। अविवाहित व्यक्तियों के लिए आज विवाह का अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। उपाय करें, काले तिल दूध में मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। मूलांक आठ के जातक, घर में मेहमानों के आने जाने से घर का माहौल सुखद रहेगा। पिता के साथ किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। संतान की समस्याओं को सुलझाने में उसकी मदद की जाएगी। उपाय करें, काली चींटियों को आटा खिलाएं या दान करें। मूलांक नौ के जातक, मंगलदेव के प्रतिनिधित्व में आज सामाजिक मेलजोल में व्यस्तता रहेगी जिससे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ घरेलू सामान खरीदने में पैसा व्यय होगा। करीबी मित्र से कोई सुखद समाचार सुनकर मन में प्रसन्नता होगी। उपाय करते हैं, भाइयों का ध्यान रखें और उनके साथ अच्छे संबंध रखें।